कायलाक पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। कायलाक का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सभी भाइयों को नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं आप भाइयों के सामने। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, फोटो भी आपने थंबनेल भी देखा, पशुओं को तेल लगाने के जो फवारे होते हैं, सरसों का तेल जो लगाया जाता है वो किसी फवारे में नहीं चलता, केवल मात्र एक ये सामने जो फवारा देख पा रहे हैं इसमें ही सरसों का तेल कामयाब है। कुछ देखिए सींगों को जो लकड़ी की जो गिट्टी सी डाली जाती है वो भी पड़ी हैं, और पीतल की जो माला होती हैं जिनको काफ़ी चाव से हमारे पशुपालक भाई खरीदते हैं, मेलों में पशु ले जाते हैं उस टाइम, तो इन सभी के बारे में पूछेंगे। आज गुरदीप भाई के साथ हैं पाजू गांव से, जो कि इस एरिए के सबसे बड़े मैं कहूँगा किराना स्टोर के मालिक हैं, और पूरे एरिए में भाई की एक किस्म से ये कह सकते हैं तूती बोलती है। थोक का काम, जैसे गाँव में बैठ के भी थोक का काम है, और इतनी ज़्यादा सेल इनके पास है कि आप पूछो मत, तीन चार गांव इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे इनके बारे में कि ये करने का कैसे सोचा और ये किस काम में आते हैं। तो गुरदीप भाई नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई। तो भाई जी, जैसे कि पशु भी अच्छे रखते हो, किराना स्टोर भी बहुत अपना नामी गिरामी है, तो ये छोटा मोटा ये सामान भी रखने लगे, इसका क्या रीज़न है? देखिए सुरेंद्र भाई, इसमें कमाई का मैन पर्पज नहीं है, लेकिन पशुओं का शौक है और पशुओं से रिलेटिव हर सामान का भी शौक है। साथ में जैसे ये डाल के उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भी पशु सब लोग रखें और उनको पूरे चाव से रखें, ये चीज डालने के बाद बहुत सुंदर लगता है पशु। ठीक है जी, बताइए फिर आप, जैसे कि सबसे पहले ये तेल का फवारा इसे शुरू करते हैं। देखिए सुरेंद्र भाई, ये तेल का फवारा वैसे बाजार में पहले अपने आने से पहले बहुत महंगे भाव में बिकता था, लेकिन हमने परचेज भी बहुत ठीक दाम में किया है और ग्राहकों को भी हम बहुत बढ़िया दाम में दे रहे हैं। ठीक है, कितने में बेच रहे हो फिर? 150 रुपए में यहाँ अपने काउंटर पे बेच रहा हूँ। और पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सुखबीर भाई ने, उसमें ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी तब तक बेचने की, कोरियर की, लेकिन कुछ भाइयों की काफी डिमांड थी, जो दूर दूर से फोन आए थे, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, जो यहाँ पर आके लेके नहीं जा सकते थे। ठीक है। और अब कोरियर की सुविधा है, जिस भी भाई को चाहिए तो मैं एक नंबर दूंगा अपने मित्र का, और उनसे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना और कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। कोरियर के द्वारा ये मंगवा सकते हैं, मात्र 150 रुपए जो है इस फवारे की आपने कीमत रखी है, क्यों भाई साहब? इसकी कीमत मैंने यहाँ पर 150 रुपए रखी है, लेकिन जो इसको कोरियर करवाएगा, देखो वो भी अपना टाइम निकाल के करवा के आएगा, इसमें समय बहुत लगेगा। कोरियर का खर्चा और कुछ चार्जेस अलग लगेंगे? अलग लगेगा इसका। कोरियर के अलावा फिर क्या चार्ज लोगे इसका? इसका 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा सुरेंद्र भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोरियर से अलग 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो तो ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, अफोर्ड करने वाली बात है। तो एक तो ये फवारा हो गया, और एक ये लकड़ी की जो है ये सींगों में डाली जाती है। ये सींगों में डालने के लिए है सुरेंद्र भाई, ये पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। देखो सुंदरता तो बनती ही है, लेकिन पशुओं का एक बेल फंसा लेना, सींग में जोड़ा फंसा लेना, और आपस में सींग फंसा के सींग को पड़वा देना, इन समस्याओं से बहुत निजात मिलती है। ये सुंदर तो लगता ही है, मैं आपको सीधी साफ सुथरी भाषा में कहूँ, सुंदरता के साथ साथ सींग में ना तो रस्सी फंसेगी, ना कोई लोहे की आप जो डालते हैं बेल बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में, या जो संगल बोलते हैं पंजाब में, वो भी नहीं फंसेगी, एक दूसरे पशु का आपस में सींग भी नहीं फंसेगा, और सींग की बहुत ज़्यादा सेफ्टी जो है इस लकड़ी के गुटके से रहेगी। तो ये भी भाई जी ऑनलाइन बेच सकते हो? हाँ बेच सकते हैं सुरेंद्र भाई। ठीक है, ठीक है, मैं भी आपको दूंगा एक नंबर मेरी तरफ से, आप एक भाई हैं अपने महाराष्ट्र में, उनको ज़रूर भेजना, मैं कटड़ी दी थी उनको तो मैं भेज नहीं पाया उनको। तो ये वाले बताओ जी, ये जो ये पीतल की जो बेल पड़ी है। हाँ ये पीतल की बेल है सुरेंद्र भाई। और ये इसका रेट नहीं बताया आपने? इसका 100 रुपए के दो पीस हैं, ये एक जोड़ा बोलते हैं जिसे। हाँ 100 रुपए के हैं सुरेंद्र भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। हाँ, साइज कोई भी हो। ठीक है, और ये इधर वाले? ये पीतल की बेल है सुरेंद्र भाई, ये दो तरह की है, दो वैरायटी। हाँ ये एक तो थोड़ी कम वजन में है, ये वाली। हाँ ये वाली, ठीक है।
एक ये इस साइड में है, ये थोड़ा इससे हैवी है, काफी हैवी है ये बड़े पशुओं के लिए। ठीक है, तो इनके क्या क्या कीमत रखी है जी? इसकी कीमत रखी है 375 रुपए इसकी। हाँ, इसकी यहाँ मेरे काउंटर का ये रेट है। और कोरियर द्वारा कोई भी भाई मंगवाना चाहेगा तो इसमें 50 रुपए पीस एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और कोरियर का अलग। हाँ, कोरियर का अलग है। और इसका रेट रखा है भाई 825 रुपए। 825 ठीक है, इस बड़े वाले का। और 50 रुपए कोरियर का चार्ज और 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, कोरियर का जो भी लगेगा वो और 50 रुपए ऊपर के। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, 50 रुपए में कोरियर शायद ना भी पहुंच पाए। हाँ, क्यों नहीं पहुंच नहीं पाएगा भाई। हाँ, कोरियर तो वो जाने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं कोरियर वाले की। हाँ, तो ये तीन चार आइटम ही दिखाने हैं या कुछ और भी दिखाने हैं? बस सुरेंद्र भाई यही दिखाने हैं। और जिस भाई को लेना है वो यहाँ पे मेरे फोन पे संपर्क कर सकता है और यहाँ से आके ले जा सकता है। लेकिन कोरियर द्वारा मंगवाना है तो मैं अपने मित्र का नंबर देना चाहूँगा। ठीक है, कोई नहीं, आप नंबर दे देना, मैं कोरियर के लिए उसका नंबर भाई का दे दूंगा अलग से और आपका नंबर भी अलग से दे दूंगा। गुरदीप पाजू के नाम से आपका नंबर दे दूंगा और जो कोरियर वाले भाई हैं, क्या नाम है भाई साहब का? नानक सिंह। नानक सिंह के नाम से आपको मैं दूसरा नंबर जो है उपलब्ध करवा दूंगा। तो गुरदीप भाई, वैसे अगर कोई यहाँ लोकल आदमी रस्सी रस्सी लेना चाहे वो भी मिल रखते हो? बिल्कुल, पशुओं से संबंधित उनके सिंगार का जो भी आइटम चाहिए, हर तरह का, मोरी है, गल में पट्टा है, मुंह में डालने वाला मोर आता है, और भी बहुत सारे आइटम है, सारा कुछ उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल उपलब्ध है। जैसे वे आइटम इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वो हर जगह लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आइटम बिल्कुल एक यूनिक है, ये कहीं बहुत ही कम मिलता है, बहुत कम है। तो लोग इस पे चार्ज भी बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है भाइयों, जो भी भाई लेना चाहते हैं इस तरह के आइटम संपर्क कर सकते हैं। सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।